आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मूसलाधार बारिश के होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, जिसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आसमानी आफत बनकर गिरा पानी, मैदानी इलाकों में भी घुसा बाढ़ का पानी, मूसलाधार बारिश में भी अस्तित्व की जंग जारी। जमीनों के साथ साथ आशियानों को भी निकलता पानी। बहादुरपुर माझा का ये बलबलपुरवा कभी संपन्न गांव हुआ करता था। यहां अच्छी पक्की सड़कें थीं, लाइट था, बिजली था, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये 22 घर का बलबलपुरवा आज ये घाघरा के नदी में बिल्कुल समा गया है। यहाँ के परिवार वो बगल में कहीं टीन रखकर, कहीं टप्पर रखकर इस तरह से रह रहे हैं। इनका भविष्य का कोई अता पता नहीं है। मूसलाधार बारिश, पानी की बौछार, जगह जगह पर हुआ जलभराव। जलभराव में गुमनाम होते लोगों के साथ साथ कई शहर, जिसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। बारिश आई लेकिन अपने साथ लेकर आई आफत, परेशानी और जीवन जीने का संकट। बाढ़ में डूबते घर, दर दर भटकने को मजबूर लोग, पानी के बीच में फंसे लोग, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, ये मानसून सबका कठिन इम्तिहान ले रहा है। यूपी में मानसून के शुरू होने से पहले ही सीएम द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई जनपदों में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सूबे के मंत्रियों के माथे पर चिंताओं की लकीरें गहराती जा रही हैं। प्राइम टीवी की टीम आज बहादुरपुर के बलबलपुरवा में आ पहुंची है। यहां घाघरा अपने जो है बहाव पे है। यहां हमें ये हम यहां दिखाएंगे और लोगों से जानकारी करेंगे कि क्या सच है, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है। आइए हम दिखाते हैं उन आसियानों को जो यहां से करीब 20-25 घर था वो नदी में, घाघरा के नदी में वो सब कटान की वजह से बह गए, और वो परिवार, वो बेचारे आज निस्घर हैं। उनके पास रहने के लिए वतन नहीं है। आइए, हमारे साथ एक माताजी खड़ी हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं। क्या नाम है माताजी? जनक लली नाम है। जनक लली, आसियाना जो आप घर था कहाँ चला गया, कहाँ है? हाँ, पर बाहर है, हमारा घर कट के नदी में गिर गया। घर आपका कट के नदी में चला गया? हाँ, धारम निकल गई गवा सब। कहाँ रहती हैं? बैठन रही थे, झोपड़ी ताने। झोपड़ी ताने रहती है। हाँ। अच्छा, कोई आया यहाँ पे देखने? क्यों नहीं देखा। अच्छा बर्मा दी, क्या समस्या है, कहाँ गया आपका घर? हमारा घर दरिया में गिर गया। दरिया में गिर गया? किस दरिया में गिर गया? ये नदिया में। नदिया कौन सी नदी है? दरिया घाघरा वाली। हाँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं इस समय? ये नीबी तरह रही थे, भैंस गाय बांधे थे, वही फिर रही थे, अपन लड़का बच्चा लेके कहाँ चली जाये। नीम के तरह रहती है? हाँ। पेड़ के नीचे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है माता जी? प्रभुदेव। प्रभुदेव हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत तो भैया बहुत कुछ हमका है। खाए जैसे हमें घर में है, नदी से दरिया में गिर गया। खाने वाला सामग्री दरिया में, नहर में गिर गया? हाँ भैया। अच्छा। बहुत नाना बच्चे का खवा दी, अपने पास बच्चे जब से वहाँ का। कई बच्चे हैं? पाँच जने। पाँच बच्चे हैं। बारिश के साथ साथ बैराज से छोड़ा जा रहा पानी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिससे घाघरा और सरयू का तेवर लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं खतरे के निशान को छूती हुई घाघरा तो कहीं सरयू भी अपने उफान पर नजर आ रही है। ताजा मामला गोंडा से सामने आ रहा है, जहां मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बहादुरपुर माझा का बलबलपुरवा गाँव का अस्तित्व खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लगभग 30 गरीब के आशियाने और सैकड़ों बीघा किसानों की उपजाऊ जमीन को घाघरा निगल चुका है। जबकि घाघरा की विनाश लीला लगातार देखने को मिल रही है, साथ ही बढ़ता जलस्तर और कटान भी अब लोगों की जान पर आफत बनती जा रही है।
और यहाँ कटान तो बहुत जोर है। अगर हमारे माननीय सांसद विधायक अगर जो चाहते आज के 2-3 साल पहले से भी कटान चालू है, वो लोग अगर चाहते तो ठोकर लगवा के अपना एक गांव बचा भी सकते थे। इसी के वजह से पुल भी कट रहा है, पुल भी बच जाता, ब्योंदा माझा भी कट गया, काफ़ी घर कट गए। लेकिन वो लोग पत्थर गिरवाने की बात छोड़ो, जब देखने तक नहीं आए कि लोग हैं कि नहीं है, तो वो पत्थर कहाँ से गिरवाएंगे। अरे उसमें ससा है कि हमारे सबका ना घर ना घा घरम गिर गया है, कोई अधिकारी लोग ना आया, पन्नी तार के कोनो मेरे बाल बच्चन को गुजर बसर की इंजात है, अधिकारी लोग कोई आवा नहीं साहब की सब कहाँ है कहाँ नहीं, कोई सोचना नहीं आया यहाँ पर भैया। कोई प्रशासन नहीं है, कोई या कोई देखने नहीं आता है, कितनों भी बाढ़ आ जाए, कितनों भी कुछ भी हो जाए, यहाँ कोई देखने आता नहीं है। बाढ़ का बहुत असंभव है, ये काटने का बहुत असंभव है, ये काटता है 2 साल के बीच में लगभग 1.5-2 किलोमीटर काट के आ गई, पक्की भी सड़क कट गई यहाँ से नहीं, यहाँ भी गांव का गांव भी कट जाए कोई देखता नहीं है, कोई सुनवाई यहाँ है ही नहीं। किसानों की उपजाऊ जमीन के साथ साथ उनके आशियानों को भी घाघरा निगलता जा रहा है, और अब ऐसे में लोगों के पास सर ढकने तक की जगह नहीं बची है। तबाही और बेबसी का मंजर यही नहीं रुका, शहर को जोड़ने वाला बलबलपुरवा गांव बहादुरपुर होते हुए शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को भी घाघरा निगल चुका है। ऐसी स्थिति में अब बाढ़ से पीड़ित लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जबकि अब सभी ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर अपना आशियाना तलाशने में लगे हैं, तो कहीं पेड़ की छांव का सहारा लेकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, और इस आस में बैठे हैं प्रशासन इनके दुख दर्द को समझेगा और कटान में तबाह हुए लोगों की मदद करेगा। जबकि कटान से प्रभावित लोगों का कहना है कि हर साल उनको बाढ़ और कटान की विभीषिका से होकर गुजरना पड़ता है। मानसून के पहले सरकार ने तैयारियां तो बहुत की थी, जिसके बावजूद लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, और लोग डर के साए और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए गुजर बसर करने को मजबूर हैं। लेकिन अगर समय से पीड़ितों की मदद नहीं की गई, तो गांव वासियों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। रिपोर्ट प्राइम टीवी। जहां कुछ समय पहले तक आसमान से आग बरस रही थी, लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं जब बारिश ने दस्तक दी तो लोग अपने आशियाने बचाते फिर रहे हैं। जहां एक तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, तो लोग ये सोच के परेशान हैं कि आखिर गर्मी में बरसात हो या फिर बरसात में बारिश ना हो। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में नहीं, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका